मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री संजय मित्तल जी, प्रमुख सचिव राजस्व श्री सुधीर गर्ग जी और मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस घरौनी वितरण कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थीगण, प्रदेश के सभी 350 तहसील मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में सभी उपस्थित मान्य जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज ये देश पूरा देश लोकतंत्र के एक उत्सव के रूप में एक महादिवस को मना रहा है। आज ही के दिन जिस संविधान ने हम सबको मताधिकार के माध्यम से जनता को जनार्दन के रूप में एक मान्यता दी, 1975 में इस देश के संविधान का गला घोंट करके आपातकाल जबरन घोषित करने और थोपने के उस काला दिवस का स्मरण करते हुए जिन लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए और जनता की आवाज को प्रशासन और शासन तक पहुंचाने की निर्बाध गति को एक नई ऊंचाई दी, उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए, उनके संघर्षों के लिए उन्हें नमन करते हुए, जो जीवित हैं उनका अभिनंदन करता हूं, जो आज हमारे बीच में नहीं है उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के संविधान के अनुरूप भारत के लोकतंत्र को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे इस संकल्प के साथ घरौनी वितरण का एक कार्यक्रम भारत के लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज के कार्यक्रम के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में 34 लाख परिवार ऐसे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उनके नाम पर होगा और वह उसके नाम पर कोई भी अपना कार्यक्रम व्यवसाय बैंक से लोन लेने या लेन देन के कार्यक्रमों के साथ अपनी जमीन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसमें तकनीक भी है और इसमें हर गांव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी जहां पर उसका मकान है, पुश्तैनी मकान है, उस मकान की जमीन का अभिलेख उसके नाम पर नामांतरण करते हुए उसका मालिकाना हक उपलब्ध कराने का भी एक अभियान है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और ये संजोग ही है कि आज इस देश ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी 1975 में। आज के दिन जब चोरी छिपे जबरन इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और उसके बाद देखते ही देखते देश इसे एक अभियान के रूप में, एक आंदोलन के रूप में लेकर के
लोकतंत्र को बचाने के लिए लगा था, और लोकतंत्र की इससे बड़ी विजय और कुछ नहीं हो सकती कि जनता जहां पर रह रही है वहां का अभिलेख का नामांतरण उसके नाम पर हो। आज ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। 23 लाख से अधिक घरौनी वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इससे पहले संपन्न किया। 2-3 अलग अलग चरणों में कार्यक्रम संपन्न हुए थे, और आज 11 लाख घरौनी वितरण का कार्यक्रम न केवल प्रदेश के अंदर लोक भवन के सभागार के माध्यम से, बल्कि प्रदेश के अंदर हर तहसील मुख्यालय पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके उन सभी लोगों को जो वर्षों से वहां रह रहे थे लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, आपने देखा होगा एक छोटा सा विज्ञापन यहां पर हम लोगों ने जारी किया था, कहीं पर कोई गरीब का मकान टूटता था तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान नहीं बनाने देता था, कहीं पर कोई व्यक्ति दबंगई से रोकता था, कहीं कोई माफिया रोकता था, और कहीं पर राजस्व विभाग के लेखपाल की कृपा हो जाती थी कि वह उस पर जबरन कब्जा करने से गरीबों को रोकता था और उसके नाम पर मनमाना वसूली करता था। आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीक का उपयोग किया गया है। आपने देखा होगा अब ये राजस्व कर्मियों के जरीब से या फीता नापने से जमीन का पैमाइश नहीं होगा, बल्कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक एक गांव की खुली बैठक में इसका सर्वे होता है। गांव की खुली बैठक के माध्यम से आपसे इस पर सहमति और असहमति के कमेंट भी लिए जाते हैं, और उसके बाद जब सभी बातों को संपन्न कर लिया जाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का वहां पर समाधान हो जाता है, तो फिर घरौनी वितरण के कार्यक्रम के लिए भी इस प्रकार के आयोजन संपन्न होते हैं। और अब तक 34 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के साथ ही प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जिसमें 100% यानी 100% ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अभिलेख का वितरण हो चुका होगा। यानी वहां पर अब गांव में जो छोटे छोटे विवाद होते थे, विवाद का कारण क्या था, कभी जमीन बड़ी जमीन के कारण कोई फौजदारी के मुकदमे नहीं बनते, छोटे छोटे बातों को लेकर, एक फुट आधा फुट या घर के सामने कोई नाली बना लिया या ग्राम आबादी की लैंड है वहां पर किसी ने पशु बांधा है, कोई दबंग आया उसने जबरदस्ती उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, ऐसी बात को लेकर के विवाद बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता है। और जमीन का विवाद तो ऐसा है कि जब एक बार प्रारंभ होता है तो न्यायालय में भी बहुत लंबा समय लगता था, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, मुकदमा लड़ा जा रहा है, जितने की जमीन की कीमत नहीं उससे ज्यादा उनका न्यायालय में जाने और पैसा खर्च करने में व्यतीत हो जाता था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने आपको इस सभी समस्या से मुक्त करते हुए तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।